जो ब्लू वेल होती है फ्रेंड्स, आपने हमेशा सुना होगा ब्लू वेल, वो 150 टन्स की होती है। अगर मैं फ्रेंड्स इसको और डीपली समझाऊं तो फ्रेंड्स 22 एलिफेंट्स के बराबर उसका वेट होता है। तो फ्रेंड्स चलते हैं इस फैक्ट के बाद हमारे आज के टॉपिक की ओर, केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। फ्रेंड्स हम अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं, तो फ्रेंड्स उनमें से कुछ फिजिकल होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं। फिजिकल वो होते हैं जो रिवर्सिबल हों, और केमिकल वो होते हैं जो इरिवर्सिबल हों। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल ये आप नहीं कह सकते कि ये केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में एक डिफरेंस है, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ। तो फ्रेंड्स मान लीजिए हमारे पास ये एक पेपर है, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस पेपर को मैं तो फ्रेंड्स मैंने इस पेपर को अच्छे से मोड़ दिया है, अब कोशिश करते हैं कि इस पेपर को सीधा करने। तो फ्रेंड्स इस पेपर को सीधा करने के बाद हम फ्रेंड्स इस पेपर की तरह एकदम मतलब प्लेन को नहीं बना पाए, लेकिन फ्रेंड्स ये केमिकल चेंज नहीं है। फ्रेंड्स केमिकल चेंज वो होता है जो किसी सब्सटेंस, तो फ्रेंड्स वो होता है दूध से दही, मिल्क टू कर्ड। तो फ्रेंड्स वो बदल गया, दूध से दही हो गया फ्रेंड्स। डफ टू फ्लोर, सॉरी फ्रेंड्स फ्लोर टू डफ। तो फ्रेंड्स वो ही बदल गया, हम फ्रेंड्स डफ को वापस फ्लोर में तो कन्वर्ट कर नहीं सकते, और कर्ड को वापस मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, लेकिन फ्रेंड्स ये हमारा फिजिकल चेंज ही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स हमने यहाँ पे पेपर को किसी और चीज में चेंज नहीं किया है। पेपर फ्रेंड्स बस हमारा मुड़ गया है, एकदम क्रम्प्ड हो गया है, लेकिन फ्रेंड्स इसको हमने किसी और चीज में नहीं बदला है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं इसी। तो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल देता हूँ, हमने फ्लोर टू डफ कहा था, अभी मैंने कहा था, तो फ्लोर टू डफ टू चपाती। यस फ्रेंड्स फ्लोर टू डफ टू चपाती, तो फ्रेंड्स चपाती पक जाती है, रोटी फ्रेंड्स पक जाती है। तो फ्रेंड्स इसको ना हम दोबारा डफ में चेंज कर सकते हैं, ना ही फ्लोर में चेंज कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल हो गया केमिकल चेंज का। अब फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल बता दूं आपको, मिल्क टू कर्ड, दूध से दही बनाना। फ्रेंड्स आपने देखा होगा दूध, फ्रेंड्स सीधा सीधा एग्जाम्पल है, कर्ड को वापस मिल्क में कोई नहीं बदल सकता। तो फ्रेंड्स फिजिकल चेंज का मैं आपको एग्जाम्पल मैंने अभी आपको ये बताया ही, चीज में बदलाव ना हो। और फ्रेंड्स मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ ना, तो फ्रेंड्स उसके लिए एग्जाम्पल हो गया यही टेबल, देख लीजिए फ्रेंड्स आप, ये टेबल मान लीजिए फ्रेंड्स, रियलाइज है कि ये टेबल टूट जाएगी, तो फ्रेंड्स उसको वापस रिपेयर करके वापस इसी ही शेप में लाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था, वो किसी किसी जगह में होता है, किसी किसी जगह में नहीं होता, इट इज रिवर्सिबल और इट इज इरिवर्सिबल। तो फ्रेंड्स फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल। तो फ्रेंड्स वापस देता हूँ डिफिनेशन, यस फ्रेंड्स डिफिनेशन बता देता हूँ लास्ट में मैं इनकी। तो फ्रेंड्स फिजिकल चेंज की डिफिनेशन हो गई, अब फिजिकल चेंज इन्वॉल्व अ चार्ज ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टी। अ फिजिकल चेंज इन्वॉल्व अ चार्ज ओनली इन अ फिजिकल प्रॉपर्टी। एंड केमिकल चेंज ऑकर्स व्हेन कंपाउंड्स आर इधर फॉर्म और डिकम्पोज। यस फ्रेंड्स कंपाउंड आर इधर फॉर्म और डिकम्पोज। तो फ्रेंड्स लास्ट मैं आपको बता दूं फैक्ट एक, तो फ्रेंड्स वो फैक्ट हमारा हो गया ऑक्टोपस से रिलेटेड। फ्रेंड्स आपने ऑक्टोपस को तो देखा ही होगा, रियल में नहीं देखा होगा तो कहीं ना कहीं आपने ऑक्टोपस को जरूर देखा होगा। तो फ्रेंड्स आपने रियलाइज किया होगा बहुत कुछ, उसके 8 लैक्स होते हैं ये सब फ्रेंड्स। तो और एक चीज आपने उसकी रियलाइज की फ्रेंड्स, आपने सोचा नहीं होगा, 3 हार्ट्स। यस फ्रेंड्स ऑक्टोपस के 3 हार्ट्स होते हैं, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फन विद कृष्णम चैनल, बाय।